Now check it out if the voice is coming everyone Yeah Just check it out if the voice is coming Now check it out if the voice is coming Yeah ट वी गो नॉट डू इज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर ऑन गोइंग सीरीज ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर नंबर ट्वेल्थ ठीक है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट हो गई है ठीक है uh, हमने चाइना में क्या हो रहा था वो पढ़ लिया है हमने uh, रशिया में क्या हो रहा था वो भी पढ़ लिया है ठीक है नाउ विल डायरेक्टली प्रोसीड टू वॉट हैपन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ठीक है वी ऑल्सो हैव टू रीड सम टॉपिक्स जिस जैसे कि <clears throat> अफ्रीका में क्या हो रहा है लेकिन अफ्रीका की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो पोस्ट कोलोनियल मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर की फेस की ही है वो इम्पोर्टेंट है वो विल गो थ्रू इट एंड नाउ बिकॉज वो नाइनटीन फिफ्टीज और सिक्सटीज़ में ही अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली थी सो दैट पोर्शन विलकम नाउ एंड द लेटिन अमेरिकन हिस्ट्री ठीक है साइमन बोलीवियर ने क्या किया था एंड ऑल दैट इन एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है uh, वो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है सो दैट इज नॉट वी विल बी फोकसिंग ऑन बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के फेज़ में लेटिन अमेरिका में टू बी वेरी स्पेसिफिक बोलिविया में क्या हुआ ठीक है पेरू में क्या हुआ क्यूबा uh, में क्या हुआ फॉर दैट मैटर ठीक है दैट थिंग विल बी कवरिंग नाउ ओनली लेकिन क्योंकि वो 1945 का के बाद का फेज है सो दैट विल बी कवरिंग नाउ सो अभी तक की जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ठीक है फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिकन सिविल वॉर फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन कोई भी क्वेरीज आपकी हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं दैट्स हॉई अगर आप यहाँ नहीं पूछना चाहते हैं सो यू कैन ऑलवेज पिंग मी टेक्स मी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज ठीक है सो फील फ्री टू क्वेरी वॉट एवर द क्वेश्चन इज ओके दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी सो मेक श्योर जस्ट यू गो थ्रू इट वंस ओके Uh, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको फॉलो कर लेंगे बिकॉज क्लास के बाद मैं वहाँ पी अपलोड कर दूंगा uh, साथ ही साथ देखो इन फ्रंट ऑफ यूज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म केन अकेडमी के बारे में लेट्स स्टॉक अपडेट देखो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिस इज नदर आपको चांस मिल गया है बिकॉज द प्राइसेज विच वर गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी से प्राइस इंक्रीज होनी थी दैट डेट हैज़ बीन इंक्रीज टू ट्वेंटी फोर्थ नॉट ट्वेंटी फोर्थ तक यही प्राइसेस रहेंगी दैट इज़ फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज Okay, make sure if you haven't taken the subscription for two years plus is 57,000 rupees, take it before 24th night, 12 a.m. बिकॉज उसके बाद द प्राइज विल इंक्रीज सिक्सटी फोर थाउजेंड नाउ दिस प्राइस ऑल्सो आपको कब मिलेगी वन यू बी यूजिंग द कोड एस पी वाई टी सो मेक श्योर टू यूज द कोड एस पी वाई टी एंड वट एवर शूट यू बेटर ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं ट्वेल्व मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स ठीक है एक साल या दो साल अकॉर्डिंगली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ओके इफ यू अदर फर्दर क्वेरी रिगार्डिंग यूज uh, करेंगे एसपी वाई टी कोड मुझे कॉन्टेक्ट कर लें ठीक है आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजोल्व करें वेदर यू आर सब्सक्राइबर और नॉट वी ट्राई आर बेस्ट टू हेल्प यू आउट ठीक है चलो सो लेट स्टार्ट द्लास ओके अंजुम समराइज द्लासर अंजुम जस्ट वाइल वी आर एंडिंग द क्लास जस्ट बिफोर एंडिंग द क्लास रिमाइंड मी वंस टू समराइज वंस एंड विल टेक 15, विल गो थ्रू ऑल द टॉपिक वन ओके ओके चलो Okay. Uh, okay. <coughs> लेट्स So let's start then. Post 1945 the New World Order. ठीक है अब पोस्ट 1945 फोर्टी फाइव न्यू वर्ल्ड वॉर के लिए कुछ लिंगोज हैं कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक नॉमिक्लेचर हैं जो यूज़ किए जाते हैं पता हो तो अच्छा है नहीं पता है तो याद कर लें देखो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद से <coughs> 1945 के बाद से पूरी वर्ल्ड की बिहेवियर चेंज हो गई ठीक है वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स फाइनेंसेस मॉनिटरी पॉलिसी तो उसके लिए आई ठीक है आई बना दिया गया उसके लिए फाइनेंसेस के लिए वर्ल्ड बैंक बना दिया गया ठीक है ट्रेड के लिए पहले आपने जी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड बनाया उसके बाद फिर आपने डब्ल्यू बनाया सो so, हर चीज़ के लिए आपने नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिए आपने यूनाइटेड नेशन अलग से बनाया ठीक है सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसीलिए इस फेस को कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो कंट्रीज जीती उन्होंने डिसाइड क्या किया कि अब जो भी हो गया सो हो गया अब हमें पूरे वर्ल्ड को वापस से फ्रेम करना है सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है ठीक है एंड दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो जो अमेरिकन्स थे जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने लोगों का सपोर्ट भी इसीलिए मांगा था यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सट्रीम लोगों का एक तरीके का कहिए आप तो एक तरीके का बलिदान ही किया था लोगों ने अब यूरोप में रहने वाले तो इस तरीके का जब सेक्रीफाइस लोगों ने किया है सो so ऐसे तो नहीं करेंगे दे ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न सो अश्योरेंस क्या था अश्योरेंस ये था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी स्टेब्लिश्ड ऑल योर नीड्स विल बी फुलफिल्ड इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपकी और कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी की सारी दुर्घटनाएं घटनाएं घटना सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगी एंड यू विल बी लिव यू विल बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ एवर आफ्टर वो जैसे हिंदी बॉलीवुड मूवीज में होता है ना एंड दे लेफ्ट एंड दे लिव्ड हैपिली एवर आफ्टर सो वो वाला सपना दिखाया इन कंट्रीज ने तो अब इन सपने को दिखाने के लिए तरीका क्या यूज किया गया अ चलो आ, उन सपनों को दिखाने के लिए तरीका ये यूज किया गया कि चार कॉन्फ्रेंसस हुई ठीक है चार कॉन्फ्रेंसस पहले इसको सुने देखो 1943 आते-आते एक तरीके से बात ये तय हो गई कि जीत तो जाएंगे हम लोग वंस अमेरिका गॉट इन्वॉल्वड इन द वॉर ठीक है 1941 के बाद जब अमेरिका एक बार इन्वॉल्व हो गया वॉर में दिसंबर सेवन दिसंबर 1941 के बाद जब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया पूरे 1942 अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन को हेल्प करने के लिए क्योंकि सोवियत यूनियन पे भी जर्मनी ने अटैक कर दिया था अब कौन कौन पार्टी है वॉर में वॉर में पार्टी देखो जर्मनी तो वही पुराने लोग लड़ रहे हैं 1939 से अमेरिकन नए रिक्रूट्स आ गए हैं सो पूरे 1942 जैसे जैसे वो खत्म हुआ 1942 के के बाद 1943 के जून जुलाई तक ये लगने लगा कि अब अलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस और रशिया ये जीत जाएंगे वॉर ठीक है अभी फ्रांस के ऊपर से कॉलोनी हटी नहीं थी लेकिन उम्मीद थी कि वॉर जीत जाएंगे ठीक है इस टाइम पे एक नई मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कहाँ पे कायरो में ठीक है कायरों में एक मीटिंग कायरो का है इजिप्ट में इजिप्ट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने आए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ठीक है विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और चाइना के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट चेंग काई शेख ठीक है ये वही चैन का शेख है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि 1925 में जब सुनय सेन की डेथ हो गई थी सो उनके जो कमांडर थे चैन का शेख वो रिपब्लिकन चाइना के प्रेसिडेंट बन गए थे ठीक है सो चैन का शेख यहां पे पहुंचे चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड दैट ऑल्सो रिपब्लिक चाइना ठीक है इसकाइरो की मीटिंग में सोवियत यूनियन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ठीक है स्कायरों की मीटिंग में सोवियत यूनियन नहीं आई थी और क्यों नहीं आई थी क्योंकि सोवियत यूनियन ने जापान के साथ ऑलरेडी एक ट्रीटी साइन की हुई थी अब देखो 1941 से सोवियत यूनियन वॉज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट जर्मनी अब सोवियत यूनियन से जर्मनी किधर है वेस्ट की तरफ अब अगर वेस्ट की तरफ जर्मनी से वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो ईस्ट की तरफ वाली कंट्री से लड़ाई ना लड़ना ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और रैशनलिस्ट काम है तो सोवियत यूनियन ने क्या किया स्टेलिन ने क्या किया स्टेलिन ने जापान के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली 1941 में ही जिसका नाम था सोवियत जापानीज न्यूट्रलिटी पैक्ट इस पैक्ट से क्या हुआ इस पैक्ट से सोवियत यूनियन ने जापान को एक अशोरिटी दे दी कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे वॉट एवर बी द केस ठीक है और ईस्ट जो है वो ईस्ट की तरफ अपनी फोर्सेस लगाने से बच गई सोवियत यूनियन सो जिससे कि वो अपने वेस्टर्न फ्रंट पे यानी मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग को क्रिमिया को कीव को प्रोटेक्ट कर सके ठीक है अब आगे देखो और जब उनकी एक ट्रिटी ऑलरेडी जापान के साथ है तो फिर कायरो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्यों क्योंकि कायरो कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहा था चाइना और चाइना सबसे बड़ी दुश्मन थी जापान की सो so, क्योंकि चाइना इस मीटिंग में आ रहा था और इसलिए सोवियत यूनियन ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है और सो चाइना इस समय कम्युनिस्ट चाइना नहीं है चाइना इस समय रिपब्लिकन चाइना है ठीक है अब देखो इस मीटिंग में क्या हुआ ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के लिए भी इस मीटिंग में हुआ ये कि जब विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ठीक है विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट मिले किससे चैंका शेख से सो so, उनको लगा कि भाई अच्छा हो या खराब हो ये आदमी है तो रिपब्लिकन और इनको पता है कि वर्ल्ड वॉर जब एक बार खत्म होगी उसके बाद इनको ये पता था कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी नहीं होगी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सोवियत यूनियन और उनकी कम्युनिस्ट फिलासफी ठीक है सो वो ये चाहते थे कि जितनी ज्यादा कंट्रीज हमारी तरफ आ, आ सके रिपब्लिकन ग्रुप में आ सकें उनको अपनी ओर ले आओ और इसीलिए कायरो कॉन्फ्रेंस में विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो दोनों ही रिपब्लिक जो दोनों ही डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन्होंने चैंग का इस को अश्योरेंस दे दिया कि हम जब भी कोई एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे हम उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ देखना चाहते हैं और यहीं पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल दोनों ने चाइना को अश्योर कर दिया कि जब भी हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उस समय ये नॉमिनक्लेचर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड नहीं सोचा गया था लेकिन ये मान लिया गया जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वर्ल्ड लेवल की सो यू विल हैव अ इम्पॉर्टेंट से इन दैट ठीक है सो यहां से ही डिसाइड हो गया कि चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा ठीक है तो कायरो कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बस और इसके अलावा कायरो कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ कायरो कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड हुआ कि कोई भी एक कंट्री ना ही अमेरिका ना ही चाइना और ना ही ब्रिटेन कभी भी डायरेक्ट सिंगल हैंडेडली जापान के साथ कोई एग्रीमेंट करेंगी अनलेस एंड अनटिल जापान अनकंडीशनली सरेंडर कर दे ठीक है so, सो कायरों कॉन्फ्रेंस के दो आउटकम याद रखेंगे कायरो कॉन्फ्रेंस के दो आउटकम एक एक चीज पे पक्की हो गई बात कि जापान जब तक अनकंडीशनली सरेंडर नहीं करेगा तब तक उससे और कोई बात नहीं होगी पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू कि चाइना को हम एक इंपॉर्टेंट जगह देंगे जब एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा ठीक है और इसके अलावा सोवियत यूनियन ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है ये कॉन्फ्रेंस कब से कब तक नवंबर 22 टू टू ट्वेंटी सिक्स अब इस मीटिंग को ख़त्म करने के जस्ट बाद अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के चेंग का वापस चले गए बीजिंग और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंसेंट चर्चिल कायरों से वापस लंदन और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं गए ये कहाँ गए ये लोग सीधे वहाँ से उड़ के पहुंचे तेहरान और तेहरान में अगले ही दिन 27 को ये पहुंचे और 28 को एक नई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 1943 में ही ठीक है एक दिन के गैप पे एक नई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और यहां पे पहले से पहुंचे हुए थे सोवियत यूनियन के चेयरमैन ठीक है जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिन वाज ऑलरेडी देयर और अब तेहरान में जो कि अभी नई नई सिटी नया नया देश था ईरान जिसको ब्रिटेन ने वापस से इंडिपेंडेंस दिलाई थी और वहां के जो पुराने किंग थे ठीक है पहलवी डायनेस्टी के उनको वापस से ईरान का किंग बनाया था ठीक है क्योंकि ईरान पे फॉर सम टाइम जर्मनी ने कब्जा कर लिया था सो so, ईरान को इंडिपेंडेंस वापस दिलाई 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने और उसके बाद पहलवी डायनेस्टी को वहाँ वापस से बैठाया गया और वहां पे जो सोवियत एम्बेसी थी उसके अंदर मीटिंग हुई जिसको कहते हैं तेहरान कॉन्फ्रेंस अब ये एक दिन के गैप पर हुई थी याद रखेंगे इसको ठीक है अब ये जो एक दिन के गैप पे फिर से मीटिंग हुई इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ अब वो मीटिंग तो हो गई जापान से लड़ाई के बारे में ये मीटिंग क्यों हो रही है ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि यहाँ पे दूसरी चीज डिसाइड की जाएगी यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि वो जो ईस्ट यूरोप वाला रीजन है ठीक है जो ईस्ट यूरोप वाला रीजन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन था ठीक है जो स्लाव कंट्रीज़ हैं जो युगोस्लाविया है जो अभी कोसोवो का एरिया है जहां अभी भी कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उन लोगों के साथ क्या करना है उन लोगों के साथ क्या करना है ये चीज़ यहां पे डिसाइड करनी थी सो अब पहली बार जोसेफ़ स्टेलिन जो हैं वो मिलेंगे किससे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से और यहां पर जोसेफ स्टैलिन ने ये बात मानी कि अगर अमेरिकन मशीनरी अमेरिकन नहीं आते हमारी हेल्प करने नाइनटीन में सो ये वॉर हम हार जाते ठीक है और यहां पे क्या डिसाइड हुआ यहां पे डिसाइड यह हुआ कि वॉर खत्म होने से पहले इस साल 1943 के खत्म होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि टर्की जो अभी तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वो अलाइड पावर की तरफ से पार्टिसिपेट करे जर्मनी और इटली के अगेंस्ट वॉर में इनको सपोर्ट करे ठीक है पॉइंट नंबर वन दूसरा पॉइंट क्या डिसाइड हुआ दूसरा यह डिसाइड हुआ कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लास बताया था कि नॉर्मंडी पे सिक्स ऑफ जून 1944 को डी डे का अटैक हुआ था उस अटैक को कब करना है कैसे करना है यह डिसाइड किया गया इस मीटिंग में क्यों क्योंकि फ्रांस पे अभी भी जर्मनी का कब्जा था फ्रांस को अभी भी विशी फ्रांस के थ्रू जर्मनी कंट्रोल किए हुए थी और जर्मन फोर्सेज सोवियत यूनियन पे अटैक कर रही थी तो जोसेफ स्टेलिन ये चाहते थे कि अगर आप फ्रांस में अमेरिकन ब्रिटिश ट्रूप्स को उतारेंगे वो जर्मनी के फोर्सेस के फोर्सेस ऊपर वेस्ट की तरफ से अटैक करेंगे सो ईस्ट की तरफ जर्मनी को थोड़ा प्रेशर बनेगा और जर्मनी अपनी फोर्स ईस्ट की तरफ से हटाएगी और जिससे सोवियत यूनियन को थोड़ी रिलीफ होगी ठीक है इसलिए जोसेफ स्टैलिन ने डिमांड की दोनों से किससे विंस्टन चर्चिल से और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से कि आप जल्दी से फ्रेंच इन्वेजन शुरू करें डिसाइड हुई बात कि मे 1944 में इन्वेजन होगा लेकिन वो इन्वेजन एक महीने बाद हुआ क्योंकि बात लीक हो गई थी सो एक महीने बाद जून के महीने में डी डे के दिन नॉर्मंडी में वो इन्वेजन हुआ जब एक मिलियन फोर्सेज जो थी वो लैंड की थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था यह दूसरी बात डिसाइड हो गई इस मीटिंग में ठीक है तीसरी बात जो यहाँ डिसाइड हुई वो ये थी कि जोसेफ स्टैलिन और फ्रैंक और विंस्टन चर्चिल ने यह डिस्कस किया कि पोलैंड के बॉर्डर को कैसे डिसाइड करना है अब पोलैंड की जब बॉर्डर की डिसीजन के बारे में बात हो रही थी तो अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस डिस्कशन से बाहर निकल गया क्यों जिस तरीके से जापान जिस तरीके से जापान वाली बात हो रही थी देखें यहाँ पे एथिक्स की बात आ जाती है जिस तरीके से जापान और की जब बात हो रही थी तो आ, सोवियत यूनियन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ उसी तरीके से जब पोलैंड के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि पोलैंड के नए बॉर्डर्स कैसे डिफाइन करेंगे जब जर्मनी को वहां से निकाल दिया जाएगा सो विंस तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा इस डिस्कशन में क्यों क्योंकि 1944 में अमेरिका में इलेक्शन होने थे ठीक है वही 1943 के नवंबर में इलेक्शन होते जनवरी 1944 में वो वापस से वोट लेते सो नवम्बर नाइनटीन फोर्टी में इलेक्शन होने थे और नवंबर 1943 में ये सारी डिस्कशन हो रहा था सो उन्होंने ये कहा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे पोलिश ओरिजिन के लोग अमेरिका में रहते हैं तो उनका वोटिंग बिहेवियर मेरे पार्टिसिपेशन की वजह से चेंज हो सकता है और इसलिए जब पोलैंड के बॉर्डर डिसाइड हो रहे थे सो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया अब इसके बाद क्या हुआ ये एक चीज़ हो गई इसके बाद पोलैंड का बॉर्डर डिसाइड हुआ और पोलैंड का जो अभी भी बॉर्डर है उसका नाम है कजन लाइन ठीक है इसका नाम है कजन लाइन ईस्ट में और वेस्ट में इसका नाम है ऑर्डर ईस्टर्न नाइसे लाइन ठीक है वो सिटीज के नाम पे उन सिटीज का नाम रखा हुआ है ठीक है सो अब ये दूसरी मीटिंग हो गई इस तेहरान में जो ईरान में मीटिंग हुई इसका आउटकम क्या है तीन पॉइंट टर्की इस साल के अंत तक अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ना चाहिए दूसरी चीज फ्रांस का ऑपरेशन कब होगा नॉर्मेंडी वाला तो वो डेट डिसाइड हो गई और तीसरी चीज पोलैंड का क्या करना है पोलैंड का डिविजन कैसे करना है ठीक है अब आगे देखो अब उसके बाद जब ये मीटिंग हो गई सब लोग अपने अपने घर चले गए वॉर वापस से जर्मनी के आगे शुरू हो गई 1943 के दिसंबर में अब 1944 बीता ठीक है 1944 बीता फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो इलेक्शन जीत भी गए ओके उसके बाद याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई याल्टा कहाँ है अब आप पहले तो पूछेंगे याल्टा कहाँ है सो जैसे कायरो इजिप्ट में था ठीक है कायरो इजिप्ट में था तेहरान ईरान में है याल्टा कहां है एनी वन वु लाइक टू टेल इन द कमेंट सेक्शन याल्टा कहां पे है आई टेक अ सिप ऑफ कॉफी प्लीज टेल मी याल्टा कहां पे है एनी वन वुड लाइक टू से एनी थिंग जाल्टा कहाँ पे है चलो बहुत टाइम लग रहा है मैं बता देता हूँ क्रीमिया पता है क्रीमिया क्रीमियन पेनंसोला जिसके ऊपर रशिया ने 2014 से कब्जा कर रखा है अदरवाइज वो यूक्रेन का पार्ट था क्रीमियन पेनन्सोला उसी क्रीमिया के ऊपर याल्टा नाम की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ठीक है जो ब्लैक सी की ओर खुलती है वहाँ याल्टा में फेबरी फोर्थ टू अलेवन नाइनटीन में ये मीटिंग हुई पराग सिंह पोलैंड जामनगर और भावनगर की वजह से खड़ा हुआ है ये uh, पराग दैट वाज अ पोलिस पोलिश किड्स हु एक्चुअली अडॉप्टेड फॉर द टाइम बींग्स बाय बाय द द जाम महाराजा ऑफ जामनगर या दैट्स ट्रू बट सिंस वी आर डिस्कसिंग द ओवरऑल इंपैक्ट एंड नॉट स्पेसिफिकली कि जामनगर में क्या हुआ था हम उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे वेन विल बी डिस्कसिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया uh, इस पूरे कोर्स के बाद देन विल बी लुक इन टू कि इंडियंस ने क्या पार्टिसिपेशन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और वहां पर वो टॉपिक हम डिस्कस uh, कर लेंगे ठीक है ओके चलो सो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई याल्टा उस समय सोवियत यूनियन के अंदर ही था ठीक है क्रिमियन पेनंसुला पे uh, अब यहाँ की मीटिंग में क्या हुआ वॉज द वर्ल्ड वॉर सेकंड मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम एंड सोवियत यूनियन यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई और डिस्कस क्या करना था पोस्ट वॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी एंड यूरोप सो अब यूरोप के बारे में बात होगी याल्टा में आके कि अब भाई वॉर पक्की खत्म होने वाली है 1945 फोर्टी आ गया है इटली ऑलरेडी हार चुका है बनीटो मसलूनीज बीन हैंग्ड एंड किल्ड एंड लिंचड एक्चुअली ठीक है हिस डेड बॉडी वॉज लिंच और उसके साथ साथ अडोल्फ हिटलर जो है वो भी उनकी ओर घेरा बढ़ रहा है ठीक है बर्लिन की ओर फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं तो अब जर्मनी का क्या करना है और इसलिए याल्टा में मीटिंग हुई यहाँ पे ये डिस्कस होगा कि नाकसी पार्टी के खत्म होने के बाद यूरोप को लिबरेशन कराने के बाद ठीक है किस तरीके से सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है इन लोगों को द मीटिंग वॉज इंटेंडेड मेनली टू डिस्कस द री स्टैबलिशमेंट ऑन नेशन ऑफ वॉर टन यूरोप यूरोप की पूरी की पूरी कंट्रीज अब तीन चार हिस्से में बट चुकी थी या तो उन कंट्रीज के ऊपर अमेरिकन फोर्सेज बैठी थी या तो जर्मन फोर्सेज बैठी थी या तो सोवियत फोर्सेज बैठी थी अब इन कंट्रीज़ को वापस कैसे देना है किस हिस्से को हंगरी बनाना है किसको चेकोस्लोवाकिया बनाना है किसको यूकोस्लाविया बनाना है किसको जर्मनी बनाना है ठीक है किसको पोलैंड बनाना है ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस अगेन एग्रीमेंट किस चीज पे किया गया एग्रीमेंट यह किया गया कि अब वॉर जब खत्म हो जाएगी तो ये सी जर्मनी के जो ऑफिसर्स हैं जो लोग हैं उनके साथ क्या करना है तो so पहले तो ये डिसाइड किया गया कि जैसे जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 20 बिलियन का इमीडिएटली uh, 20 बिलियन का रिपेट्रिएशन की बात की गई थी 20 बिलियन डॉलर की वो ना करके जर्मन रिपेट्रिएशन विल बी इन द फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर ठीक है सो जर्मन लोगों से फोर्स लेबर करा के उसका अमाउंट हम यूज करेंगे अपनी कंट्रीज को वापस स्टैब्लिश करने में दूसरी बात डिसाइड की गई स्टैलिन इस बात पर एग्री किए कि अगर जैसे ही जर्मनी हारता है उसके दो महीने के अंदर अंदर हम जापान के ऊपर अटैक कर देंगे क्योंकि स्टालिन का वही पॉइंट था जर्मनी जैसे ही हारेगा हमारी फोर्सेस वेस्ट से फ्री हो जाएंगी और हम उनको ईस्ट में लगा देंगे ठीक है so, सो स्टैलिन ने यह बात बोल दी यह बात भी डिसाइड की गई कि नाथसी पार्टी के जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके ऊपर वॉर क्राइम के केस चलाए जाएंगे ठीक है क्योंकि बाई दिस टाइम बाई दिस टाइम अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड सोवियत गेटिंग इन्फॉर्मेशन की कंसनट्रेशन कैम्प बने हुए थे कंसनट्रेशन कैम्प के बारे में जैसे जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी पिछले पाँच साल छः साल में नाथसी फोर्सेस ने नाथसी ऑफिशल्स ने ज्यूज़ कम्युनिटी के लोगों के साथ जिप्सी लोगों के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ जो चीज़ें की थी उसके बारे में पता चल रहा था सो इट वॉज दे वोर एंड मोर एडमिट कि आप नासी पार्टी के ऑफिसर्स को एक नॉर्मल कंट्री के ऑफिसर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं दे नीडेड दे आज अ नीड टू स्टार्ट अ फुलज अ वॉर ट्रिब्यूनल टू हैंडल दीज पीपल ठीक है यह भी डिसाइड किया गया कि इनके ऊपर केसेज चलेंगे और अगर केसेज में इनको सजा हुई तो उनको फांसी तक दी जाएगी दे विल बी हैंग दे विल बी किल्ड कैपिटल पनिशमेंट अलाउ की गई एक कमेटी भी बनाई गई कि किस तरीके से जर्मनी को डिवाइड किया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा डर ये था कि जर्मनी के अंदर जो लोग रह रहे हैं ऑल दीज पीपल ऑल दीज पीपल आर एक्चुअली सपोर्टिंग द नाथसी पार्टी तो अब इन लोगों को डी नाथसीफाई कैसे किया जाए इन लोगों को नाथसी पार्टी की थाट प्रोसेस से बाहर कैसे निकाला जाए जैसे अभी कुछ दिन पहले आईसीएस वाला जब केस आया था आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फॉलो दैट न्यूज़ ठीक है देखो आई डोंट डोंड नो कि कितने लोगों ने न्यूज फॉलो की थी लेकिन के केस में क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले जब मौसू से आईसीस की फोर्सेस को हटाया गया सो आईसीस के जितने भी लोग थे आईसीएस के मिलिटेंट थे वो तो भाग गए इराक में मौसू से सीरिया और इराक के एरिया से लेकिन उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो थे वो अभी भी कैम्प्स में रह रहे हैं दैट आर दीज कैंप्स आर रन बाई यूनिसेफ और उन कैंप्स में रहने वाले लोग जो हैं दे आर स्टिल रेडिकलाइज एंड दे आर सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ आइसिस नाउ दीज पीपल अब इनका करें तो करें क्या प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के साथ क्या करें बिकॉज वर्ल्ड ये अलग अलग कंट्री के लोग हैं सिटीजन्स हैं जो सबके सब आई सब एस को ज्वाइन करने पहुंच गए थे अब इनके साथ डर ये लग रहा है कि इनको क्या करें बिकॉज दीज पीपल आर नॉट मिलिटेंट इन्होंने किसी का खून नहीं किया है या तो इनके हस्बैंड मिलिटेंट थे या तो इनके पेरेंट्स मिलिटेंट थे अब इनके साथ क्या करें बट ये भी पता है कि ये आईसीस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं सो so अगर आप इनको छोड़ दिया तो ये भी किसी ना किसी को तो मार देंगे ठीक है सो दैट्स द रीजन यही जो डिफिकल्टी छोटे लेवल पे अभी आई है मुश्किल से तीस चालीस हजार ऐसे लोग होंगे ठीक है यही डिफिकल्टी अगर इस लेवल पे आ जाए कि देर आर एट करोड़ नाइन करोड़ सच पीपल सो अलाइड पावर ये डिफिकल्टी फेस कर रही थी कि जर्मन लोगों को दिनासीफाई कैसे किया जाए ओके अब देखो कॉन्फ्रेंस हुई यहां परेशन के लिए जरूरी है कि पूरी की पूरी जर्मनी को तीन हिस्से में बांट दिया जाए एक हिस्सा जापान एक हिस्सा ब्रिटेन ले ले एक हिस्सा सोवियत यूनियन ले ले और एक हिस्सा अमेरिका ले ले और उनका काम इस तरीके से बढ़ जाएगा डी का ठीक है तीन हिस्से में डिविजन है चार में नहीं है अभी सुनिएगा कहानी कैसे चार में हुई है बात इसके बाद फिर अगस्त के महीने में क्योंकि अभी भी इस मीटिंग जब ये फरवरी फेब फेर्व में मीटिंग हुई थी तब भी नाजी पार्टी हारी नहीं थी नाजी पार्टी कब हारी तीस अप्रैल के बाद जब हिटलर ने सुसाइड कमिट कर दिया एथ मे 1945 को नाजी पार्टी ने फाइनली सरेंडर कर दिया एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री डे इन यूरोप ठीक है इसके बाद क्या हुआ बिटवीन जुलाई सेवनटीन एंड ऑगस्ट सेकेंड जुलाई 17 एंड अगस्त सेकेंड के बीच में एक और मीटिंग हुई इस बार मीटिंग कहां हुई इस बार मीटिंग हुई पोस्डेम में अब आप कहेंगे पोस्डेम कहां है जर्मनी के अंदर ही है पोस्डेम में क्या है पोस्डेम में एक बहुत बड़ा फोर्ट है और ये फोर्ट किसका था ये किला जो था ये काइजर विल्हम का फोर्ट था काइजर विलहम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ठीक है काइजर विलहम सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के किंग थे काइजर थे ठीक है उनका ये फोर्ट था इस फोर्ट को अलाइड फोर्सेस ने कैप्चर किया और यहां पे मीटिंग हुई इस मीटिंग में वापस जोसेफ स्टेलिन आए विंस्टिन चर्चिल आए और क्लेमेंट एटले दोनों आए क्यों क्योंकि बाय दिस टाइम यूनाइटेड किंगडम में इलेक्शन की बात शुरू हो गई थी और इलेक्शन में क्लेमेंट एटले जो थे वो विंस्टन चर्चिल के अगेंस्ट खड़े थे इलेक्शन में लेबर पार्टी की तरफ से आपको ये पता होगा कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो क्लेमेंट एटले ही प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गया था और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद एंटेम गवर्नमेंट में वॉर कैबिनेट में चर्चिल के जो जस्ट नेक्स्ट लेवल के ऑफिसर थे क्लेमेंट एटले जो लेबर पार्टी से थे उन दोनों लोगों से कहा गया कि आप दोनों लोग आप मिलकर ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेशन करिए सिर्फ चर्चिल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे और इसलिए ब्रिटेन की तरफ से पोस्डेम कॉन्फ्रेंस में विंस्टन चर्चिल के साथ साथ क्लेमेंट एटले भी आए थे और साथ में अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन किया था हैरी एस ट्रूमन ने बिकॉज उसके पहले उसके पहले ही फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की डेथ हो गई थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट डाइड इन ऑफिस ठीक है वो जब अपने वो उनका प्रेसिडेंशियल पीरियड चल रहा था उसके बीच में ही वो मर गए ठीक है और उसके बाद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे हैरी हैरी एस ट्रूमैन ही केम टू पावर सो ही रिप्रेजेंटेड यूनाइटेड स्टेट्स अब देखो यहां से कहानी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी ठीक है यहां से कहानी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी बिकॉज जोसेफ स्टेलिन तो अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेकिन ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेशन और अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया है अच्छा यही वो मीटिंग है जिसमें हैरी ट्रूमेन ने जोसेफ स्टेलिन को यह भी बता दिया था कि हां हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है ठीक है न्यूक्लियर वेपन है यह बात भी फर्स्ट अगस्त को हैरी ट्रूमन ने जोसेफ स्टेलिन को बता दी थी ठीक है आगे देखो नाउ दे गैडेड टू डिसाइड कि जर्मनी को कैसे एडमिनिस्टर करना है क्योंकि अब करना क्या है जर्मनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया है ठीक है पुलिसमैन अरेस्टेड ब्यूरोक्रेट्स अरेस्टेड आपने देखो जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो आपने उनके लोगों को हरा दिया ठीक है जब इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश वॉर हुई सो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तुरंत बना दी गई थी जो बंगाली लोग थे जो अभी तक पाकिस्तानी थे वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे थे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि इंडिया बस इंडियन फोर्सेज जब वहाँ गई तो वी वर वेलकम्ड ठीक है वी वार वेलकम्ड ऐसा ही होता है लेकिन जर्मनी की कहानी दूसरी थी नाउ दिस कंट्री नीडेड टू बी ऑक्यूपाइड और यहाँ के लोग भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आपको वो सारे लोग जो गवर्नमेंट में हैं वो सारे लोग जो पुलिस में हैं उनको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा नहीं तो वो वायलेंस कर सकते हैं नाउ इफ एवरी वन विल बी अरेस्टेड सो हु विल रन द स्टेट आपको कंट्री को चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कि जानते हों कि कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है अब अमेरिका से फोर्सेस को बुला के उनसे जर्मनी में बर्लिन शहर और म्यूनिक शहर की गलियां नहीं चलवा सकते ठीक है उनको पता ही नहीं होगा करें क्या ठीक है सो इट वॉज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि यहाँ डिसीजन लिया जाए कि अब करना क्या है जर्मनी का क्या, क्या करना है ठीक है सो जर्मनी का पहले तो डी करना था साथ ही साथ डी डीनासिफिकेशन करना था डेमोक्रेटाइजेशन करना था डिसेंट्रलाइजेशन करना था और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको डिसमेंटल करना था ठीक है उनकी जो जर्मनी की मिलिट्री थी उस मिलिट्री को ख़त्म करना था नाथसी मिलिट्री नाथसीफिकेशन का जो थॉट है जो नाथसी पार्टी की आइडियोलॉजी है जो लोगों के दिमाग में बैठी है उसको ख़त्म करना है जर्मनी को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है ये खैर ये रशिया सोवियत यूनियन का आइडिया नहीं था डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस ब्रिटेन और अमेरिका ने रखा अपने पास डिसेंट्रलाइज करना है क्योंकि डिसेंट्रलाइज करने से अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी और लोगों के हाथ में जब एक्सट्रीम अथॉरिटी नहीं आएगी तो वापस हिटलर जैसा कैरेक्टर नहीं बनेगा ठीक है और जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसको डिसमेंटल करना है कि वापस कोई नासी पार्टी का नया लीडर ना खड़ा हो खड़ा हो जाए यहीं पे यह भी डिसाइड हुआ कि रिपेट्रिएशन का अमाउंट जर्मनी से कैसे लेना है तो यह डिसाइड किया गया कि टेन परसेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ वेस्टर्न ज़ोन्स ठीक है जो कि वेस्टर्न जोन मतलब वेस्ट पूरे के पूरे जर्मनी को दो में बांट दिया गया ईस्टर्न जोन और वेस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन भी क्योंकि सोवियत यूनियन का नुकसान ज्यादा हुआ था तो यह डिसाइड किया गया कि वेस्टर्न जोन में भी 10 परसेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है जो जर्मनी के लिए अब अननेसेसरी है वो अब सोवियत यूनियन को दे दी जाएगी विद इन दो साल के अंडर अंदर, -अंदर. और इसके साथ साथ स्टेलिन ने भी कहा बाद में ये आइडिया भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि पोलैंड को भी अलग से 15 परसेंट कंपेंसेशन दिया जाएगा ठीक है सो इस तरीके से जर्मनी को डिवाइड किया गया आपके स्क्रीन पे मैप है और बर्लिन सिटी का मैप है तो देखो ये लेफ्ट वाला जो मैप है आपके स्क्रीन पर यह पूरी जर्मनी का मैप है ये पूरी जर्मनी का मैप है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया द ब्राउन वन वेंट टू सोवियत यूनियन ठीक है पूरे एरिया को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया पहले अब ब्रिटिश जोन अमेरिकन जोन एंड अ सोवियत जोन अब ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या किया अपने जोन में से एक छोटा हिस्सा फ्रांस को दे दिया ठीक है द फ्रेंच जोन ये पूरा ये फ्रेंच जोन है ये दोनों पार्ट ये वाला और ये वाला ठीक है और बर्लिन वाल सोवियत यूनियन के पास ईस्टर्न पोर्शन था उसके बीचों बीच में आता था बर्लिन ठीक है उसके बीचों बीच में था बर्लिन अब बिकॉज बर्लिन कैपिटल थी तो बर्लिन सिटी को वापस से तीन पार्ट में बांट दिया गया बर्लिन सिटी को वापस से तीन पार्ट में बांटा गया एक पार्ट किसके पास गया रशिया के पास यानी सोवियत यूनियन के पास दूसरा पार्ट गया ब्रिटेन के पास तीसरा पार्ट गया यूएस के पास और ब्रिटेन और यूएस ने वापस से अपने दो, दो हिस्सों को तीन में डिवाइड किया और एक हिस्सा फ्रांस को दे दिया ठीक है अब ये करने की वजह से बर्लिन शहर को भी चार हिस्से में बांट दिया गया और बर्लिन की कनेक्टिविटी फिर करनी पड़ी वेस्ट जर्मनी से ठीक है इट्स लाइक कि आपकी पूरी कंट्री इस तरह और फिर आने वाले टाइम में ये पूरे जो एरिया हैं यानी जर्म ब्रिटेन ब्रिटेन अमेरिका और फ्रांस ये अपने तीनों जोन्स को ऐड करके एक बड़ा एरिया बना लेंगे एंड दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज वेस्ट जर्मनी अब वेस्ट जर्मनी का एक हिस्सा जो था वो ईस्ट जर्मनी के बीचों बीच में था क्योंकि बर्लिन शहर के बीच में भी वेस्ट जर्मनी के पार्ट थे वही तीन हिस्से ठीक है so, सो उनकी कनेक्टिविटी को लेके अब आगे क्राइसिस की सिचुएशन होगी जो हम आगे कहानी पढ़ेंगे अब ठीक है चलो किसी को कोई क्वेरी हो उस बारे में तो आप पूछ सकते हैं ठीक है अब यहां तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो मैप में कैसे वेस्ट जर्मनी का एक हिस्सा ईस्ट जर्मनी के बीच में था आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो आगे देखो अब अब भाई और चर्चिल ये ने ये बात 1944 में ही रियलाइज कर ली थी अब देखो इस मैप में अगर तुम ध्यान से देखोगे आप लोग देखो ये मैप को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा ये पूरा एरिया किसके पास है जस्ट मोमेंट ये पूरा एरिया सोवियत यूनियन के पास है ठीक है ये पूरा एरिया यूएसएसआर के पास है यहाँ ये पूरा एरिया ठीक है so, सो बर्लिन के बहुत पास कौन सी कौन सी पावर बर्लिन में पहले पहुंची थी सोवियत यूनियन ठीक है और जर्मनी में बहुत ज़्यादा सोवियत आ, आर्मी के लोग पहुंचे हुए थे ठीक है इन टोटल देयर वर 11 मिलियन सोवियत ट्रूप्स विद इन द जर्मन बाउंड्रीज और इससे बहुत ज्यादा परेशान थे रूजवेल्ट और लुक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोवियत यूनियन के टोटल लॉसेस थे 20 मिलियन ठीक है वर ट्वेंटी मिलियन पीपल हु डाइड हुआ सोवियत ठीक है पूरे रशिया के दो करोड़ लोग मर गए थे अभी भी अगर आप रशिया में या फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाएंगे तो आपको मेल इज़ टू फीमेल का जो रेशियो है ठीक है जेंडर रेशियो जो है वो स्क्यूड मिलेगा टूवर्ड्स वुमेन वो ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल एंड दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड वुमेन द रीजन इज कि 1945 में मोस्ट ऑफ द मैन ऑफ द सोसाइटीज वर किल्ड एंड दैट्स वाई उस समय जो स्क्यूनेस आई थी उस समय जो पूरा सिस्टम चेंज हो गया था मेल ऑज टू फीमेल रेशियो इतना मेल इज टू फीमेल रेशियो इतना कम हो गया था कि वो अभी तक इक्वालिटी uh, पर नहीं पहुँच पाया है ऐसा मत सोचेगा कि रशियंस आर जस्ट टू न्यूट्रल पीपल एंड दे आर जस्ट टू डेवलप्ड और उनको फर्क नहीं पड़ता है कि मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड वो वहां भी नहीं है वहां भी पेट्रियाकल सोसाइटी है ठीक है बट अभी तक वहां की सोसाइटी में आपको मेल इस टू फीमेल रेशियो जो है जैसे इंडिया में देखो आपको अभी पता है कि 943 की बात होती थी 2011 में अब 948 953 पे पहुंच जाओगेगा ज़्यादा से ज्यादा वैल्यू ठीक है जब रशियन सोसाइटी में आपको 1000, हर थाउजेंड मैन पे वन से लेवन हंड्रेड मिल जाएंगी और इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि रशियन uh, सोसाइटी बहुत ही अच्छी है और दे अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स एंड ऑल ठीक है द रीज़न इज़ वेरी सिंपल जितने uh, आदमी थे जितने मर्द थे जितने मेन थे वो वॉर में लड़ने लड़ने गए थे और वो मर गए और उस समय जो स्क्यूनेस आई थी वो आज तक रिकवर नहीं हो पाई दैट्स इट ठीक है दस लैंग्वेज वेरी टू वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या जिब्लू ऑब्वियसली ना रूज वर्ल्ड एंड चर्चिल न्यू कि अब अगर किसी कंट्री में 20 मिलियन लोगों की डेथ हुई और उस कंट्री के बाकी 11 मिलियन लोग जिस कंट्री ने मारे हैं उस कंट्री के अंदर हैं तो आपको क्या करेंगे अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के चले जाएंगे सो रूजवेल्ट एंड चर्चिल वेरी वेल न्यू कि वे पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप के रीजन में एक करोड़ दस लाख सोवियत ट्रूप्स हैं और दे आर नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर तो दे आर देयर बिकॉज उनकी गवर्नमेंट ने अब सारे रिसोर्सेज ईस्टर्न यूरोप के यूज करने हैं अपनी पूरी की पूरी जो लॉसेज हुए हैं पिछले पांच सालों में उनको रिकवर करने के लिए एज वेल एज रशियंस यानी सोवियत ऑलवेज और टू बी वेरी स्पेसिफिक स्टेलिन ऑलवेज हैड दिस आइडिया कि 1917 में ये ईस्टर्न यूरोप का एरिया हमसे छीना गया था और जार के अंदर ये सारा एरिया हमारा ही था एंड दैट्स वाई स्टेलिन वॉज एडमिंड कि यह जितना एरिया है ये पूरा एरिया जैसे वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के जो एरियाज़ हैं अमेरिकन फोर्सेस वापस चली गई फ्रांस से अमेरिकन फोर्सेस ने कभी ये थोड़ी कहा कि अब हम फ्रांस में आ गए तो फ्रांस जो है वो अमेरिका का एक स्टेट बन जाएगा या फ्रांस जो है वो अमेरिका के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा लेकिन रशिया ने यह किया सोवियत यूनियन जब पोलैंड पे आई सोवियत यूनियन जब यूगोस्लाविया में आई सोवियत यूनियन जब बाकी कंट्रीज में आई चाहे वो बेलारूस हो ठीक है चाहे वो प्राग हो सारे शहरों के ऊपर जब सोवियत यूनियन की पावर स्टैब्लिश होना शुरू हुई सो उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए और वो नाइनटीन तक चलाए ठीक है सो इन नाइनटीन 55 परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द सोवियत यूनियन ठीक है पूरे सोवियत यूनियन की नेशनल इनकम का 55 परसेंट सिर्फ और सिर्फ वॉर मटेरियल पे खर्च हो रहा था ऐसा भी नहीं था कि जो लोग सोवियत यूनियन की तरफ से ट्रूप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लड़ रहे हैं उनके ऊपर पैसे खर्च हो रहे हो सिर्फ और सिर्फ वॉर का मटेरियल जो था उस पर फिफ्टी फाइव परसेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था जो लोग लड़ रहे थे आर्मी में वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे उसमें पैसे उसे नहीं मिलते थे आप इसलिए लड़ रहे थे नहीं तो आप मर जाएंगे ठीक है एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली दे वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड हाउसिंग एंड दैट्स वाई द ट्रूप्स हु वेंट टू वेस्ट वो वेंट टू वेस्टर्न पार्ट यानी पोलैंड में और बाकी एरिया में बहुत हाई रेट पे लूटिंग ठीक है मास रेप्स मास मर्डर मास लूटिंग ये सब कुछ किए रशियन आर्मी ने ठीक है अब इस समय देखो ये तो एक पूरा फेस हो गया जब यूरोप uh, में uh, देखा ये गया ब्रिटेन ने और अमेरिका ने ये देखा कि रशियंस को हैंडल करना इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट विद ईच पासिंग डे बट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस समय पे एक प्लान बनाया और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड था और दिस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंडियन इंडिपेंडेंस में भी इस प्लान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड दैट्स वाई यू नीड टू नो इट ठीक है सो रूजवेल्ट ने क्या प्लान किया रूजवेल्ट ने प्लान किया सेल्फ डिटर्मिनेशन ठीक है रूजवेल्ट ने ये कहा कि ऑल द कंट्रीज नीडेड टू बी गिवन बैक देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन इसके पीछे रूजवेल्ट की आइडियाज क्या थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने पहले से ये बोल दिया था कि जितनी कंट्रीज़ के ऊपर हम कब्जा कर रहे हैं उनको कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम उनको जर्मनी से फ्रीडम दिला रहे हैं और दीज कंट्रीज नीडेड टू बी गिवन बैक देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन अब पहले तो समझ लो सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है नाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द राइट टू डिटरमाइन दैट हाउ योर पॉलिटी शुड वर्क हाउ योर सोसाइटी शुड वर्क हाउ योर इकॉनमी शुड वर्क अब ये राइट right आपके पास कैसे आएगा ये राइट right आपके पास तभी आएगा जब आप अपनी लीडरशिप को खुद इलेक्ट कर सके जब अपनी गवर्नमेंट को खुद बना सके सो so बेसिकली ये पूरा प्रोसेस कि आप खुद डिसाइड कर सके लोग डिसाइड कर सके किसी कंट्री में रहने वाले कि उनके यहाँ कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए इज़ द वेरी आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ठीक है आप खुद डिटरमाइन करेंगे कि आपको किस फॉर्म में गवर्नमेंट चाहिए एंड दिस वाज आइडिया प्रोपाउंडेड बाय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जब ये आइडियाज दिया तो इंस्टेंटली विंस्टन चर्चिल को ये लगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए हो रही है क्योंकि विंस्टन चर्चिल भी ये चाहते थे कि हाँ बिल्कुल सोवियत यूनियन भी इसको फॉलो करे एंड ऑल दोज एरियाज इन द ईस्टर्न यूरोप जिनके ऊपर सोवियत यूनियन एक के बाद एक कब्जा करते जा रहा है इस बात को कहते हुए कि हम नाथसीज़ को हटा रहे हैं नाथसी फोर्सेज को हटा रहे हैं उनको सोवियत यूनियन भी सेल्फ डिटर्मिनेशन दे और इसलिए विंस्टन चर्चिल वॉज और हैप्पी एंड हंकी एंड डोरी अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि नहीं 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 सिर्फ यूरोप की कंट्रीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलेगा वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ के पास जितनी कॉलोनीज़ हैं सबको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा ठीक है वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं जिनके पास अपनी कॉलोनीज हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन को इंडिया को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी पड़ेगी फ्रांस को इंडोनेशिया को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी पड़ेगी इवन यूनाइटेड स्टेट्स हिमसेल्फ सेल्फ सेल्फ वॉज रेडी कि हम भी फिलिपींस को सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे इसके लिए उन्होंने प्लान दिया उन्होंने कहा कि हम एक पूरा पीरियड बनाएंगे कि इस पीरियड में ओवर द पीरियड आपको देना पड़ेगा ठीक है बट ये आपको करना है एंड यू कैन नॉट रूल द कंट्रीज डायरेक्टली एनी मोर ये आइडिया पहले उन्होंने बता दिया अब देखो इसके पीछे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रीजनिंग है अगर आप यूएस के अमेरिकन नेशनलिस्ट स्कॉलर से पूछोगे तो वो तो आपसे ये कहेंगे कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट फ्रीडम देना चाहते थे कंट्रीज को बड़े अच्छे आदमी थे और सबको फ्रीडम देना चाहते थे एंड दैट्स वाई डिड दैट लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो आपको ये समझाता है कि नहीं नहीं यूनाइटेड स्टेट्स न्यू दिस थिंग वेरी वेल कि ब्रिटेन फ्रांस अब ये कंट्रीज उतनी पावरफुल रह नहीं गई हैं कि ये अपनी कॉलोनी चला सके और ये अपनी कॉलोनी चला नहीं पाएंगी और बाद में काम खराब ही करेंगी क्योंकि इनकी कॉलोनी अगर ओपन हो जाए तो हम एटलीस्ट वहां पे ट्रेड कर सकते हैं वहां की मार्केट को हम यूज कर सकते हैं बोथ फॉर गेनिंग द रॉ मटेरियल एज वेल एज फॉर मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट सो वही आइडियाज वापस से और दूसरा जो स्कूल ऑफ है वो यही कह रहा है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ये इसलिए किया बिकॉज नाउ यूनाइटेड स्टेट्स 1945 का यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की 50 परसेंट मैन्युफेक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में होती थी अभी जो चाइना की पावर है मैन्युफैक्चरिंग में इसको ट्रिपल कर दीजिए ये मैन्युफेक्चरिंग की पावर थी नाइनटीन 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स की ठीक है अब उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मार्केट जहाँ पे वो अपनी चीज़ें बिना किसी रोक टोक के सेल कर सके और वो तभी मिलेगा जब कॉलोनियल पावर्स अपनी जगह को छोड़ेंगे ठीक है सो ये एक बात हो गई अब दूसरी चीज़ रूजवेल्ट ने जो कही वो ये कही कि सोवियत मिलिट्री हेल्प अगेंस्ट जापान मतलब सोवियत मिलिट्री जो है वो जापान के अगेंस्ट हमें तुरंत हेल्प करना शुरू करे ठीक है ये अगस्त 1945 के पहले की बात है ठीक है क्योंकि अगस्त 1945 में तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिरा दिया गया था ठीक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया जाएगा और ये भी बोला गया कि इंटरनेशनल डिसग्रीमेंट जितने भी होंगे जितने भी आपके बात विवाद हैं वो सारे भाई आओ और यूएन में सॉल्व करो अब लड़ाइयां करना बंद करो दिस वॉज द प्लान विच वॉज प्रपाउंडेड बाई फ्रेंकलिन रूज ओके चलो सो कुलदीप इज आस्किंग वॉज यूएसएसआर ऑल्सो फोर्सिंग कम्युनिज्म जर्मनी बिल्कुल बिल्कुल <laughs> USSR ने जिनको ऑक्युपाई नहीं किया उन पे भी कम्युनिज्म पो, किया उन्होंने जिन पे ऑक्युपाई किया उनको तो बना ही दिया कम्युनिस्ट कंट्री आपको क्या लग रहा है 1990 तक ईस्ट जर्मनी में डेमोक्रेटिक uh, गवर्नमेंट थोड़ी थी ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वेस्ट जर्मनी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ठीक है इवन राइट नाउ द जर्मन चांसलर एंगला मर्कल इज फ्रॉम ईस्ट जर्मनी एंड नॉर्ट फ्रॉम वेस्ट जर्मनी ठीक है जर्मनी की अगर आप पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे तो जर्मनी की जो सबसे बड़ी पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी हेड एंगला मर्कल ही है उनका एक बहुत बड़ा बेस है जो कंजर्वेटिव बेस है और वो ईस्ट जर्मनी से ही आता है ठीक है एंगला मर्कल को अभी भी फ्रैंकफर्ट में वोट्स नहीं मिलते हैं ठीक है उनको अभी भी बर्लिन के आउटकट्स में ही वोट मिलते हैं ठीक है सो आप उसको समझें अब वर्ल्ड वॉर के बेनिफिट भी कुछ हुए वो क्या हुए वुमेन वर्किंग इन इंडस्ट्री इंक्रीज बाय ठीक है सो वो जो चीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुई थी वो क्या चीज थी वो चीज ये थी कि नाउ वुमेन फोक स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज नॉट ओनली इंडस्ट्रीज दे गॉट अ अजिटमेट रीजन टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिज्म और कंज्यूमरिज्म की बात होगी ठीक है सो so, अब वुमेन फोक स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह का सपोर्ट नहीं था उससे ज्यादा बड़ा सपोर्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाउ देर वॉज नो फील्ड जहां पे औरतें काम नहीं कर रही हूं आई कैन अश्योर यू कि विद इन द वॉर पीरियड अभी जितने फील्ड्स हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें औरतें काम नहीं करती हैं ठीक है वर मैनी फील्ड जहां पे अभी भी औरतें काम नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजन की फिजिकल स्ट्रेंथ कम है वहां पे भी वुमेन वर वर्किंग इन द वर्ल्ड वॉर पीरियड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन वुमेन का 60 परसेंट बढ़ गया माइन्स में फॉर एग्जांपल आप मेरे को कभी कहीं कोई माइन बता सकते हैं जहां पे औरतें काम कर रही हूँ लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे माइंस के अंदर भी औरतें काम कर रही थी रेल रोड कभी आपने देखा होगा कहीं पे रेल रेलवे की ट्रैक बन रहे होंगे आपने कभी सुना है कि वहाँ पर औरतें काम कर रही हूँ तब करती थी ठीक है एंटी टैंक डिचेस डक करती थी खोटती थी ठीक है रेल वार्डन होती थी औरतें ठीक है जो लोग भी अलग अलग शहरों में बैठे होंगे आपने रेलवे की क्रॉसिंग्स देखी होंगी आपने कभी सुना है कि किसी रेलवे की क्रॉसिंग में जो साइड में एक छोटा सा बूथ होता है जिसमें एक ऑपरेटर बैठा होता है वो वुमेन हो वो औरत हो लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो होता था सो पार्टिसिपेशन इंक्रीज सो मच सो कि ट्वेंटी सेंचुरी में भी हम उतनी पार्टिसिपेशन नहीं करा पाए इसका बेनिफिट ये हुआ कि वंस वुमेन फो केम आउट ऑफ हाउसेज दे स्टार्टेड अर्निंग दे अंडरस्टूड कि देखो ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हैं ठीक है मैन जो हम नहीं कर सकते हैं ठीक है एंड अडिशनली एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप एंड द सेकेंडलीकेंड पॉइंट इज दे स्टार्टेड हैविंग कैश इन देयर ओन हैंड ठीक है लिक्विडिटी फ्लो उनके हाथ में उनके हाथ में जब पैसे आए नाउ दे दम सेल्फ फॉर अ वेरी बिग कंज्यूमर सो उसके इस कारण से कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया एंड दैट्स वाई इंडस्ट्रीज का बिहेवियर टूवर्ड्स वुमेन इट्सल्फ चेंज ठीक है अब देखो यूएस बिकेम एन आर्सनल फॉर द अलाइज ये एक और चीज हुई यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ी आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में सो मच सो कि यूनाइटेड स्टेट्स में उसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है देर इज स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट यूनाइटेड स्टेट्स में जिसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब देर आर इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के इंडस्ट्री बन चुकी है एक मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आर्म्स और एमोलेशन हैं अब ये रिक्वायरमेंट कैसे बनी ये इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई सो so, 1941, यानी दिसंबर सेवन 1941 के पहले भी यानी पर्ल हार्बर पे अटैक के पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस को ब्रिटेन को आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा था और बहुत ही हैवीली हैवी अमाउंट में सप्लाई कर रहा था और लोन पे प्रोवाइड कर रहा था कि ले जाओ जर्मनी को हराओ बाद में पैसे देना ठीक है अब ये जो आर्म्स और एमुनेशन यूनाइटेड स्टेट्स में बन रहे थे ठीक है वो कहाँ पे बन रहे थे सो so, नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई देर आर कंपनीज आपको क्या लग रहा है आप जब जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि रोल्स रॉयज रोल्स रॉयस जो है वो प्लेन का इंजन बनाती है अभी भी सो रोल्स रॉयस जो कार मैन्युफैक्चरर है वो अभी भी प्लेन का इंजन क्यों बनाती है बिकॉज दे स्टार्टेड डूइंग दिस इन बिफोर नाइनटीन फोर्टीज़ जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो रोल्स रॉयस वॉज पुस्ट सिमिलरली फोर्ड जो कार की कंपनी है जनरल मोटर्स जो कार की कंपनी है इनको गवर्नमेंट ने ओवरटेक करके बोला कि अब कल से कार बनाना बंद बन, कल से टैंक बनाओगे और प्लेन बनाओगे ठीक है सो दिस वॉज द टाइम जब एक पूरी इंडस्ट्री नई डेवलप की गई और वो इंडस्ट्री जब 1945 में उनकी रिक्वायरमेंट खत्म भी हो गई उसके बाद भी कभी वो इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमेशा आप देखोगे वर्ल्ड ओवर यही घूम रहा होता है कि हमसे हथियार खरीद लो हमसे हथियार खरीद लो हर दूसरी कंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स हथियार बेच रहा होता है ठीक है वो 1945 में जो इंडस्ट्री बन के रेडी हो गई अब इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आ गए अब उनका करें क्या तो उनको इंप्लॉयमेंट देनी है अब उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अब वो यूएई को भी हथियार बेचते हैं और इसराइल को भी हथियार मिलिट्री इक्विपमेंटेड पार इनटीन फोर्टी थ्री दू एस वॉज बिल्डिंग सिक्स शिप्स अ डे एंड 96,000 प्लेन्स पर ईयर कैन इवन इमेजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 36 सिक्स रफेल का ऑर्डर दिया था एंड अभी सारे रफेल आए नहीं है ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स एक साल में नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्लेन्स बना रहा था यूनाइटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में एक प्ले एक शिप बनाने में यूनाइटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से कम थ्री एंड हाफ से फोर ईयर्स का टाइम लगता है ठीक है यूएस में हर रोज छः शिप्स बन रही थी अगर वो छोटी शिप्स भी हों ठीक है मैं आपको बता रहा कागज़ हमारे यहाँ ऐसे ब्यूरोक्रैट्स भी हैं जो कागज़ की पानी के जहाज़ भी नहीं बना पाएंगे एक दिन में छः उसमें भी कहेंगे यार बहुत काम हो गया आज पाँच बना दी ठीक है सो दिस इज एक्सेप्शनल वर्क जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में उस टाइम हुआ था खैर बट यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ चीजें गलत भी हुई थी एंड उसकी बात भी करनी जरूरी है सो so, देखो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो जापानीज़ ओरिजिन के थे जैसे जापानीज ओरिजिन के अमेरिकन लोग ठीक है जैसे अभी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन लोग रहते हैं ठीक है अलग अलग देश के लोग अमेरिका में रहते हैं वैसे जापानीज ओरिजिन के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते थे उनको अरेस्ट करके क्योंकि उस समय डर यह था कि हो सकता है ये लोग जापान का सपोर्ट कर दें तो उनको अरेस्ट करके कैंप्स में रख दिया गया और वहां पे वैसे बोर्ड्स लगे होते थे दीवारों पे जाप्स कीप मूविंग दिस इज अ वाइट मैं नेबरहुड ठीक है लोगों ने लोगों वही जो कम्युनिटी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ठीक है वो क्रिएट हो गया था वहाँ पे। ऐसे ही कुछ इंडिया में भी हुआ था 1962 के इंडिया इंडिया चाइना वॉर के बारे में जब चाइनीज ओरिजिन के बहुत सारे लोग इंडिया में जो थे उनको आ, अरेस्ट करके और अलग अलग कैंप्स में रख दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो ये चीज़ें होती हैं और इनके कारण ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सो so, अब देखो वॉर के बीच में जर्मनी की हालत क्या थी और क्या रीजन क्या थे जर्मनी के हारने के क्योंकि आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि 1943 तक जर्मनी वाज एक्चुअली विनिंग द वॉर ठीक है सो कंडीशन ऑफ जर्मनी बिटवीन द वॉर टू कीप अप द पब्लिक मोराल इन जर्मनी हिटलर रिफ्यूज टू कट कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन सो जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन में अभी मैंने आपको कुछ साइड पहले बताया कि सोवियत यूनियन में फिफ्टी ओवरऑल नेशनल इनकम का जो पूरा नेशनल इनकम थी उसका फिफ्टी फाइव परसेंट सिर्फ और सिर्फ आर्म्स और एमुनेशन खरीदने में खर्च किए जा रहे थे लोगों के पास खाने को नहीं था तो कोई बात नहीं लोग लड़ने के लिए सामान खरीद रहे थे एट द सेम टाइम अडोल्फ हिटलर ने कहा कि चाहे जो हो जाए जर्मनी में जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें कमी नहीं होगी उसमें कटौती नहीं की जाएगी जो आपके डे टू डे यूजेस के सामान हैं वो प्रोडक्शन होते रहेंगे सो so, उन प्रोडक्शंस के चक्कर में जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी थी जो वॉर के लिए यूज़ की जा सकती थी वो अडोल्फ हिटलर ने कभी करने नहीं दी थी। ठीक है 1942 में हिटलर ने आर्म्स प्रोडक्शन इंक्रीज करा दिया और साइज को भी इंक्रीज करा दिया इससे थोड़ी सी इरिटेशन हुई जर्मन सोसाइटी में बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन ठीक है द डिसीजन हैव कॉज जर्मनी द वॉर बिकॉज एलबर्ट स्पियर एलबर्ट स्पियर कौन थे एल्बर्ट स्पियर खुद एक आर्किटेक्ट थे जो बाद में एडोल्फ हिटलर के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वो खुद आर्किटेक्ट थे लेकिन अल्बर्ट स्पियर को जर्मनी का आर्म्स एंड एम्यूनेशन मिनिस्टर बना दिया गया था ठीक है कि पूरे जर्मनी में जितने आर्म्स और एम्यूनेशन बनेंगे वो अल्बर्ट अलबर्ट्सफियर की रिस्पांसिबिलिटी थी ठीक है अल्बर्ट अल्बर्ट्सवीयर ने इनिशियली आर्म्स और एम्यूनेशन का प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया ट्रिपल कर दिया लेकिन उसके बाद भी जर्मनी की पूरी इकॉनमी मोबिलाइज नहीं कर पाई और क्यों नहीं कर पाई उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ब्रिटेन में अमेरिका में इवन सोवियत यूनियन में ये बोल दिया गया था कि वुमेन फोक्स विल पार्टिसिपेट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि औरतें जो हैं वो माइन्स में भी काम कर रही थी ठीक है खदानों में जाके कोयला भी निकाल रही थी ठीक है so सो ये चीज़ें भी अलाउ कर दी गई थी क्योंकि आपको वॉल जीतनी है बट एट द सेम टाइम जर्मनी में ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि अडॉल्प हिटलर का मानना था कि ये सब काम हम अपने यहाँ की औरतों से नहीं कराएंगे ये सब काम फिजिकल नीड वाली उनके लिए नहीं है एंड दे आर जर्मन वुमेन दे रिप्रेजेंट प्रॉस्पैरिटी दे रिप्रेजेंट द जर्मन कल्चर एंड अंडर नो सर्कमस्टांसिस जर्मनी अलाउ ही करेगा कि उनकी वुमेन पार्टिसिपेट करें ऑन ग्राउंड वॉर में ठीक है सो so, वो एक वो बहुत बड़ा रीजन था जर्मनी के वॉर को हारने का अगर कोई पूछे तो आप हमेशा ये बता सकते हैं ठीक है अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पोस्टेम वाली मीटिंग हो रही थी तो वहीं पे ये डिस्कशन होने लगा था कि किस तरीके से जो एक बार जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो जर्मनी के जो ऑफिसर्स हैं जर्मनी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ क्या करना है और ये करने के लिए न्यूरमबर्ग में जब एक बार वॉर ख़त्म हो गई तो न्यूरमबर्ग में जो सीनियर ऑफिसर्स थे जर्मनी के उनको अरेस्ट किया गया देखो अडोल्फ हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया था ठीक है गॉबल्स ने भी सुसाइड कर लिया था जोसेफ गॉबल्स ने सुसाइड कर लिया था बचे कौन बचे जो बाकी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया ठीक है सो चाहे अल्बर्ट स्पियर हों ठीक है या फिर और जितने भी ऑफिसर्स थे अडोल्फ हिटलर के ठीक है उनको एक के बाद अरेस्ट एक के बाद एक अरेस्ट करना शुरू किया गया कुछ ऑफिसर्स थे जैसे एक हेनरिक हेमलर उनको अरेस्ट तो किया अमेरिकन फोर्सेज ने लेकिन अमेरिकन फोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ही ऑन ग्राउंड मार दिया दीस थिंग्स हैपेन्ड ऑल्सो ठीक है जो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स थे ठीक है मिनिस्टर्स थे ठीक है उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर फिर केस चलना शुरू हुआ जिसको कहते हैं द फेमस न्यूरमबर्ग ट्रायल ये वही न्यूरमबर्ग शहर है जर्मनी का जहाँ 1935 में न्यूरमबर्ग एक्ट्स बने थे न्यूरमबर्ग लॉ बना था जिससे जूस को सेग्रीगेट किया गया था जर्मन सोसाइटी से सो उसी शहर में नई कोर्ट बनी उस कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई ओके एंड न्यूरम ट्रायल ट्रायल में जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया वॉर अगेंस्ट द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का ना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का पहले कोई कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ठीक है एक पूरी की पूरी नई कॉन्सेप्ट बनाया गया और ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू जो सीनियर मोस्ट नाथसी लीडर्स थे उनके ऊपर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रूव किया गया और मोस्ट ऑफ देम वर गिवन डेथ पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट ओके बट किसी की रिड्यूस कर दी गई और यू हैव टू अंडरस्टैंड जो जूनियर ऑफिसर्स थे नार्थसी जर्मनी के ठीक है उनको पांच साल सात साल दस साल की जेल कर दी गई लेकिन वो लोग जेल में 1945 में गए 1946 47 तक जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो खुद डिमांड करने लगी कि अरे भाई वो आदमी जैसा भी था उसको छोड़ दो बिकॉज द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जर्मन सोसाइटी को रन कैसे करना है वो जो ब्यूरोक्रेसी थी जर्मन पॉपुलेशन जो थी बिना ब्यूरोक्रेसी के चल नहीं पा रही थी एंड दैट इज वाई बहुत सारे ऐसे नाथसी ऑफिसर्स थे जो कंसनट्रेशन कैंप में लोगों को मारने में भी इन्वॉल्व थे उनको भी 1948 तक ब्रिटिश और अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने जेल से छोड़ के वापस जर्मनी भेज दिया ठीक है एक चीज और हुई थी यहाँ पे वो क्या थी वो था ऑपरेशन पेपर क्लिप ठीक है यहाँ पे लिखा नहीं है मैं बता देता हूँ अलग से ऑपरेशन पेपर क्लिप ऑपरेशन पेपर क्लिप समझ लो पहले सो so, क्या हुआ था आ, देखो जर्मनी में ठीक है ऑपरेशन पेपर क्लिप जर्मनी में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि हिटलर के लिए काम कर रहे थे कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था कोई बायो मैकेनिक्स पे काम कर रहा था ठीक है कोई डीएनए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था सो so, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो, जो जर्मनी में इन चीज़ों पे काम कर रहे थे नाउ ऑल दीज पीपल वर वर्किंग फॉर नाथसी पार्टी ओके और सलीके से तो ये लोग थे नाथसी सपोर्टर्स और इनको भी अरेस्ट करके उनके ऊपर केस चलना चाहिए था लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स ने इन लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं किडनैप किया या फिर इन लोगों को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप लोग किसी से कुछ ना कहें और चुपचाप से अमेरिका आ जाएं और अमेरिका में ये सारे टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दें फॉर द यूएस गवर्नमेंट ठीक है सो आपको यूनाइटेड स्टेट्स में नए पेपर्स बना के दे दिए जाएंगे आप आराम से अमेरिका में रह सकते हैं अपनी लाइफ जी सकते हैं ठीक है एंड नो वन विल टेल एनी वन एनी थिंग और आपका जो भी नाथसी रिकॉर्ड है कि आपने जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट किया था वो खत्म कर दिया जाएगा और अंदर दिस प्लान मोर देन थाउजेंड पीपल मोर देन थाउजेंड जर्मन साइंटिस्ट ओके व ग रेफ्यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल दीज पीपल व नाथसी सपोर्टर्स दे वर फ्रॉम द नाथसी पार्टी ठीक है इवन नासा के जो हैड थे वो भी यहीं से थे ठीक है नासा के 19, 1960, uh, 1960s में जब यूनाइटेड uh, स्टेट्स ने uh, अपना मून मिशन भेजा था ठीक है uh, उस समय uh, जो नासा के हेड थे ही वाज अ नाथसी जो ऑपरेशन पेपर क्लिप में जर्मनी uh, से यूनाइटेड स्टेट्स आए थे ठीक है अब चलो आगे बात करते हैं इसकी बाद और क्या है हाँ सो सेटिंग द स्टेज द फ्रेंच रशियन एंड द ब्रिटिश सपोर्टेड समरी एग्जीक्यूशन ऑफ द वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ने पर्स्ट फॉर अ ट्रायल ठीक है फ्रांस रशिया और ब्रिटेन ने पहले ये कहा कि ये क्या केस चला रहे हो जर्मन के ऊपर इनको सबको शूट कर दो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा नहीं हम प्रॉपर ट्रायल चलाएंगे ट्रायल किया गया अगस्त 1945 में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई ठीक है एक लंदन चार्टर पास किया गया लंदन चार्टर आउटलाइन रूल्स एंड रेगुलेशन कि किसके हिसाब से क्राइम्स होंगे क्राइम्स क्या क्या लगाए गए उनके ऊपर तो इनके ऊपर पहले तो क्राइम लगाया गया पॉइंट नंबर एलिगेशन नंबर वन कॉन्स्पेरेसी टू वेज एग्रेसिव वॉर फोकस्ड ऑन पॉलिसीज बिफोर द वॉर वेजिंग एग्रेसिव वॉर वॉर क्राइम्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस लेबर कैंप स्लेव लेबर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच वॉज द अल्टीमेट थिंग जो डेथ कैंप चला रहे थे जहां पे ये जहां पर जूस को ले जाके गैस चैम्बर्स में मार देते थे So, ये सारे उनके तो सारे केसेस इनके ऊपर चले सिलेक्शन ऑफ डिफेंडेंट्स तो सिक्स नाथसी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड ट्वेंटी फोर मैन ऐसे थे नाथसी गवर्नमेंट के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स जिनको अरेस्ट किया गया ठीक है देवर ऑफिसर्स लाइक हरमन ग्यूरिंग हरमन गोरिंग कौन थे हरमन ग्यूरिंग जो थे वो आ, मैंने आपको पहले बताया था कि आ, जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट था उसका नाम था प्रूशिया ठीक है उनका प्रोविंस सो हरमन गोरिंग जो थे ग्यूरिंग जो थे वो प्रूशिया के गवर्नर थे प्लस प्लस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है लोग इसी बात से जानते हैं ही वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर एयरफोर्स ठीक है वो एयरफोर्स के मिनिस्टर थे जर्मन एयरफोर्स जो है उसका नाम था तब लुफ्तवा ठीक है सो दैट ही वॉज द मिनिस्टर फॉर लुफ्ताफा और ही वॉज ऑल्सो द प्रूशन गवर्नर हरमन ग्यूरिंग और जर्मनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे हिटलर के बाद सेकेंड ऑफिसर उनका नाम था रुडोल्फ हेस ठीक है रुडोल फैस अच्छा रुडोल फेस की कहानी अलग है वो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ ये अलग अलग इंसान थे रुडोल फेस ने 1941 में क्या किया कि इनको रुडोल्फ हेस को ऐसा लगा कि हिटलर जो है वो शायद जर्मनी दो तरफ लड़ाई कर रहा है रशिया से भी कर रहा है फ्रांस और ब्रिटेन से भी कर रहा है तो डिफिकल्टी आ सकती है सो रुडोल्फ हेस जो कि हिटलर के डिप्टी थे एक तरीके से जर्मनी के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला वो एक अपने लिए उन्होंने एक प्लेन मंगाया उनको खुद प्लेन उड़ाने आती थी तो वो प्लेन में बैठे पायलट की जगह और ख़ुद प्लेन लेके ब्रिटेन चले गए जर्मनी से और उनका प्लान ये था कि मैं ब्रिटेन में लैंड करूंगा और वहाँ पे मैं उनसे कहूँगा कि मुझे चर्चिल से मिलना है और मैं चर्चिल से मिलके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँगा और मैं एक सीज़ फायर करा दूंगा रूडॉल फेल्स हेल्स अपनी प्लेन लेके ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन में उन्होंने लैंडिंग नहीं करा पाए क्रैश की प्लेन जिंदा बच गए प्लेन से उतरे और उनको अरेस्ट कर लिया गया चर्चिल ने उनसे मिलने से मना कर दिया और वो 1941 से जेल में थे और 1988 में उन्होंने अपने प्रिजन सेल में खुद को फांसी लगा ली ठीक है सो रुडोल्फ हेस की कहानी ऐसी है ठीक है इनके ऊपर भी केस चला था ठीक है और एविडेंस आपके सामने है ये वो लोग हैं जिनको कंसनट्रेशन कैंप में नाथसीज ने रखा था ये डेड बॉडीज़ हैं और ये वो लोग हैं जो जिंदा बच गए थे यू कैन सी दैट ओके नो भारत ऑ ऑपरेशन पेपर क्लिप ओनली इंक्लूडेड जर्मन साइंटिस्ट नॉट द जैपनीज वन जापानीज साइंटिस्ट केम ऑन लेटर ऑन ठीक है इनिशियटिव टेकन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है सो अब रिजल्ट क्या हुआ सो हरमन गोरिंग ने जिस दिन उनको फांसी लगनी थी उसके एक दिन पहले रात में सुसाइड कमिट कर लिया ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जो है नाथसी पार्टी उसको गिल्टी uh, माना गया तीन लोगों को एक्विट किया गया एट को सेंटेंस किया गया थर्टीन डेथ गोरिंग ने सुसाइड कमिट कर लिया अल्बर्ट स्पियर ने गल्टी अपने आप को कहा और नाइनटीन तक वो जेल में रहे और उसके बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया ठीक है मोर देन हंड्रेड ऑफ नाथी व प्रोसिक्यूटेड थ्रू आउट यूरोप मेनी स्केप्ड और बहुत सारे नाथसी फॉलोअर्स जो थे वो भाग के अर्जेंटीना चले गए ठीक है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से स्टैब्लिश होता है और अभी भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट इम्पलीमेंट होता है ठीक है इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन ठीक है इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन और अभी हमें आगे चल के हम और भी बात करेंगे जापान वाले साइड में क्या हुआ ठीक है सो यूनाइटेड सॉरी यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन नॉट स्टेट यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन की जो कहानी है वो 1942 से शुरू होती है ठीक है द स्टोरी स्टार्ट इन 1942 फोटी टू रिप्रजेंटेटिव ऑफ ट्वेंटी सिक्स नेशंस जो हैं वो इकट्ठा uh, होते हैं ठीक है, है? Uh, और वाशिंगटन में टू साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और इसमें इसको कहते हैं अटलांटिक चार्टर ठीक है अटलांटिक चार्टर इसी को कहते हैं और इसमें इन्होंने प्लेज किया सबसे पहले कि ये एक्सेस पावर के साथ यूनाइटेड नेशन बना कैसे था सो so, जो नेशनस है वो यूनाइटेड हुए होंगे ना यूनाइटेड नेशन नाम तो इसीलिए ना क्योंकि नेशन यूनाइटेड हुए होंगे अब अगर कोई यूनाइटेड हो रहा है तो किसी और चीज के अगेंस्ट यूनाइटेड हो रहा होगा तो वो चीज़, वो चीज़ क्या थी सो दे वर यूनाइटेड अगेंस्ट द एक्सेस पावर ठीक है दे वर यूनाइटेड अगेंस्ट द एक्सेस पावर दैट इज जर्मनी इटली एंड जापान एंड वॉट वर यूनाइटिंग यूनाइटिंग का पॉइंट क्या था पॉइंट ये था कि कोई भी इन ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज में से कोई भी कंट्री एक्सेस पावर के साथ सिंगल हैंडेडली किसी तरीके से सीज फायर नहीं करेगा कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा एंड अनलेस एंड अनटिल एक्सेस पावर पूरी तरीके से हार जाए यानी जर्मनी जापान और इटली पूरी तरीके से जब तक नहीं हारते तब तक ये सारे लोग मिलकर लड़ेंगे ठीक है इसके बाद जब एक बार चीजें क्लियर हो गई और ये लोग हार गए तो वापस से मीटिंग हुई और इस बार मीटिंग कहां पर हुई सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई इस बार 26 नहीं इस बार 50 कंट्रीज आई ओके अप्रैल से जून तक मीटिंग चली और इस बार यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर डेवलप किया गया और कोशिश की गई कि वापस से सबको एग्रीमेंट में लगा के जो चीज़ लीग ऑफ नेशन के थ्रू नहीं हो पाई थी उसको इस बार किया जाए ठीक है सो जनरल असेंबली बनाई गई और लीग ऑफ नेशन में भी ऐसी बॉडी थी लेकिन उसके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं इसलिए एक और बॉडी को बनाया गया जिसका नाम रखा गया सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल इसीलिए यहां से बनाई गई और सिक्योरिटी काउंसिल का मेन एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड है सिक्योरिटी काउंसिल का मेन एजेंडा है सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड ठीक है दैट्स इट उसके आगे पीछे कुछ नहीं ये काम है एनी एंड एवरीथिंग जो कि सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर सकता है कोविड में आपको याद होगा कोविड के टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप उस टाइम चाइना के पास थी तो चाइना ने कहा था कि कोविड जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें वर्ल्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जैसे ही चेंज हुई नए प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि नहीं कोविड इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑलदो इट्स अ पेंडेमिक ऑल अ हेल्थ इशू बट स्टिल बट स्टिल इट्स समथिंग जिससे पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और इसलिए उसको डिस्कस किया गया तो यहां से समझ लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बनाई गई कि इमीडिएटली अगर वापस से कोई खतरा आए किसी कंट्री की सिक्योरिटी पे सो पूरी की पूरी जनरल असेंबली को इकट्ठा करके उनसे डिस्कशन करके किसी बात का रेजोल्यूशन पास कराने में बहुत टाइम लगेगा और इसलिए हम सिक्योरिटी काउंसिल एक छोटी ग्रुप बना लेते हैं जिसमें इनिशियली ग्यारह मेंबर बनाए गए थे बाद में उसको इंक्रीज करके पंद्रह किया गया सो इनिशियली फिफ परमानेंट 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 मेंबर्स मेंबर्स। मेंबर्स और सिक्स नॉन फाइव कौन-कौन वही मेंबर जो जो कि वॉर वॉर जीते जीते थे, जो जीते थे, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस ब्रिटेन सोवियत यूनियन और चाइना क्योंकि मैंने आपको बताया मीटिंग में एक चार्टर बनाया गया एटीन मेंबर का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाया गया खास करके यूरोप के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाई गई एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या बला थी ये एग्जैक्टली exactly जो मैंने आपको कहा कि एक प्लान था जो प्रोपाउंड किया था किसने रूजवेल्ट ने कि सारी कंट्रीज को सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी है तो प्रोपाउंड करते हुए रूजवेल्ट ने ये भी बोला था अरे भाई ब्रिटेन ऐसे डरो मत आप कल नहीं हम आपसे कह रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन देने को आप टाइम ले लो पाँच साल दस साल का और धीरे धीरे करके इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दे दो उनकी ऑटोनमी एटलीस्ट उनको दे दो और इसीलिए इस ऑटानमी के लिए एक नई काउंसिल बनाई गई यूनाइटेड नेशन में जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल सो वर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग थी इतनी डेवलप थी वो भी नेटिव्स की इंडियंस इतने सारे सीनियर पोजिशन में थे कि जब ब्रिटेन छोड़ के इंडिया को गया तो कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई कि सिस्टम कौन रन करेगा अरे पेपर्स कौन साइन करेगा अरे लैंग्वेज नहीं आती है अरे सिस्टम कैसे चलेगा लेकिन देर वर कंट्रीज़ कंट्रीज़ लाइक कॉन्गो कंट्री लाइक नाइजीरिया ठीक है कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका जहाँ पे ऐसे लोग नहीं थे जिनको पता हो कि गवर्नमेंट को रन कैसे करना है एंड दैट्स वेयर ट्रस्टीशिप काउंसिल केम इनटू पिक्चर जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो अलग अलग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए बनाई गई कि अगर आप कॉलन आपको डी कॉलोनाइज कराया जा रहा है यानी आपकी जो इंपीरियल पावर है वो आपको छोड़ के जा रही है सो so वो जो फेज है ट्रांजिशन फेज उस ट्रांजिशन फेज में देर इज समन टू हेल्प यू आउट एंड दैट्स वाई आपकी ट्रस्टीशिप फॉर द टाइम ंग जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो आपको किसी के ट्रस्टीशिप में डाल दिया जाता है तो वो काउंसिल बनाई गई ये काउंसिल 1994 तक काम कर रही थी फ्रॉम 1945 1994 में ये काउंसिल ने काम करना बंद कर दिया ठीक है इसके बाद देखो द दे रूजवेल स्ट्रोव टू तो अवॉइड वुड्रो विल्सन मिस्टेक ऑफ लीग ऑफ सेलिंग लीग ऑफ नेशन टू द सेनेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि जब मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ी गलती ये हुई थी वुड्रो विल्सन से जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने कभी भी अमेरिकन सेनेट को यानी अमेरिका की कांग्रेस जो पार्लियामेंट की अपर हाउस है उसको ये नहीं समझाया कि भाई हम अमेरिका की सोवरेनिटी किसी को नहीं दे रहे हैं ठीक है हम बस एक इंटरनेशनल ग्रुप बना रहे हैं और इसलिए अमेरिका की सेनेट ने कभी भी लीग ऑफ नेशन में अमेरिकन पार्टिसिपेशन को रेटिफाई नहीं किया बट ये चीज़ इस नहीं हुई इस दफ़ा इस टाइम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और उनकी वाइफ जो रूजवेल्ट की जो वाइफ थी एलेनोर रूजवेल्ट उन्होंने पहले से ही इनिशिएटिव्स देने शुरू कर दिए थे और यही वो रीज़न है कि जब ये केस सेनेट में गया इस बार तो इस बार यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट एक्सेप्टेड इट और देखो यही वो टाइम है जब से यूनाइटेड स्टेट्स में जो फर्स्ट लेडी होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई ठीक है अब हमेशा देखते हो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट लेडी कौन है ठीक है इंडिया की फर्स्ट लेडी आपको नहीं पता होती ठीक है सो उसका रीजन बहुत बड़ा यही है कि द वर्क विच इज अलॉटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी इज ऑलवेज मोर ठीक है चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो चाहे वो मिलानिया ट्रंप हो चाहे वो मिशेल ओबामा हो ठीक है uh, सविता कोविंद के बारे में आप उतना नहीं जानते हैं ठीक है सो उसका रीजन यही है अब आगे देखो वही एलेनॉर uh, रूजवेल्ट जो थी फर्स्ट uh, लेडी उनके बारे में आप कुछ चीजें समझ लो एलेनोर एलेनो जो थी उनके बारे में आपको यह समझना है दैट नॉट ओनली शी वॉज इन्वॉल्व इन अश्योरिंग द अमेरिकन कांग्रेस एंड सेनेट की यूनाइटेड नेशन इज गुड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स बट उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स चार्टर है वो भी बनाने में बड़ी हेल्प की ऑल दो फ्रेंकलिन रूजवेल्ट की डेथ हो गई थी 1945 में ऑल दो नए प्रेसिडेंट ट्रूमैन आ गए थे तो फर्स्ट लेडी चेंज हो गई लेकिन उसके बाद भी एलेनॉर रूजवेल्ट वॉज इन्वॉल्व ठीक है द फॉर्मर फर्स्ट लेडी एलेनॉर रूजवेल्ट वॉज स्टिल रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स वेन एवर देयर इज टॉक वॉज गोइंग ऑन क्यों क्योंकि देर वॉज अ रेपो दे वॉज अ स्टैंडिंग शी वॉज कमिंग फ्रॉम शी वॉज द विडो ऑफ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड पीपल वर रेडी टू लिसन टू हर ठीक है और इसलिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर भी जब बना 1948 में तो उसमें भी एलेनॉर रूजवेल्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ठीक है सो ये वो पूरा सेक्शन हो गया जो अभी आपको समझना था अब आफ्टर दिस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो पे हम जनरल असेंबली में क्या हुआ कैसे हुआ ये सब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुई चीजें ओके एंड या इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ अदरवाइज विल एंड द सेशन नाउ ठीक है एंड बिफोर एंडिंग लेट मी रिमाइंड यू अगेन या दैट्स फाइन दैट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन देर आर फोर मोर डेज इंक्रीज बाई एन अकेडमी Uh, the prices will not increase for four more days till 24th so you can take your subscription within four days okay yeah uh so any other questions or any other queries i'm here for another two three minutes did children fight in fought in world war ii uh yeah actually they did लुक इट्स नॉट अबाउट कि आप जानबूझ के अपने घर के बच्चों को बच्चों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे अगर घर के बाकी सारे लोग खत्म हो गए हैं ऑलरेडी दे आर डेड देर इज नो ऑप्शन बट द चिल्ड्रेन विल फाइट सो अमेरिकन चिल्ड्रन्स वन हुट रशियंस ऑल्सो नॉट वन बट इन जर्मनी या वन बर्लिन वॉज फॉलिंग ऑन द लास्ट डेट समिटवीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल देवर स्टूडें देल ग्रुप जिसको हिटलर यूथ कहते थे ठीक है uh, uh, देखो पंद्रह सोलह सत्रह साल के तो वैसे भी नॉर्मल आर्मी में रिक्रूटमेंट हो ही जाती है ठीक है पंद्रह सोलह और ग्यारह बारह के बच्चे भी हिटलर यूथ की फॉर्म में फाइनली जर्मनी uh, की तरफ से लड़े थे इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल नाइनटीन फोर्टी फाइव लेक्चर नाउन टू दिसन जस्ट समझा देते हैं फिर वापस से तो आपके पहले तो आपको समझना वर्ल्ड वॉर कैसे चीजें पोस्ट वर्ल्ड वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बना तो चार कॉन्फ्रेंसेस थी जिनके बारे में हमने बात की कायरो कॉन्फ्रेंस तेहरान कॉन्फ्रेंस याल्टा और पोस्टेम चारों के आपको रीजन बताया कि चारों में अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व थी कायरों में चाइना को इंपॉर्टेंस दी गई तेहरान में ये चीज़ डिसाइड की गई कि पोलैंड के साथ क्या होगा और फ्रांस में अटैक कब होगा ठीक है जाल्टा में ये डिसाइड किया गया कि जर्मनी को कैसे डिवाइड किया जाएगा एक बार जब जर्मनी हार जाएगी और पोस्टेम में ये डिसाइड किया गया कि, कि किस तरीके से रिपेट्रिएशन दिया जाएगा किस तरीके से जर्मनी से पैसे वापस वसूले जाएंगे अपने देश को बचाने के लिए ठीक है और उसके बाद से जर्मनी का पूरा आपको प्लान बताया गया कि किस तरीके से डिवाइड होंगी आखिर हम जस्ट कमिंग टू क्वेश्चन ठीक है रूजवेल्ट और चर्चिल ने 11 मिलियन ये बात बताई और इसके कारण रूजवेल्ट और चर्चिल डर गए कि इतने सारे अगर सोवियत लोग यहाँ पे सोवियत ट्रूप्स हैं ये कभी वापस नहीं जाएंगे एंड दैट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी इन द कमिंग टाइम ठीक है रूजवेल्ट so ने अपना प्लान दिया सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिसके कारण इंडिया जैसी कंट्रीज को भी बेनिफिट मिला ठीक है एक पूरा सेक्शन आपको आज बताया गया कि कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स बढ़ा आपको यह भी बताया गया कि एक बहुत बड़ा रीजन ये था जर्मनी के वॉर हारने का कि वुमेन पार्टिसिपेशन जर्मनी में नहीं रखा गया क्योंकि हिटलर हैड दिस एबसर्ड आइडिया कि जर्मन वुमेन आर नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क विच इज फिजिकल वर्क पूरा जर्मन आर्यन कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाई गई है ठीक है अब देखो एक आपको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी बताया गया कि, कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट इस समय पर सिर्फ मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में बड़ा नहीं बना इस चीज में बड़ा बना, 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 बना की वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मस एंड एमिनेशन मैन्युफेक्चरिंग यूनिट भी सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में गई ठीक है इसके साथ साथ न्यूरम ट्रायल्स के बारे में हमने बात की न्यूरम ट्रायल का आउटकम क्या हुआ ठीक है और यूनाइटेड नेशन की फर फॉर्मेशन की हमने बात की सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का रीजन डिस्कस किया हमने ठीक है यूनाइटेड नेशन किस तरीके से बनी और वहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और एलिनोर रूजवेल्ट का की इंपॉर्टेंस हमने समझी अगली क्लास में हम जनरल असेंबली से बात शुरू करेंगे ठीक है ना

पी यू की दाइन जो पी यू जो किंग थे उनके एक मिलिट्री ऑफिसर को प्रेसिडेंट बना दिया था और वहाँ पे चाइना के अंदर वर्ल्ड लॉर्ड आ गया था जहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड लॉर्ड आपस में लड़ने लगे थे वो 1917 में हुआ था अब उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम नाइनटीन में एक पूरा फेज था जब चाइनीज पोर्ट टाउन्स वर कंसिडर्ड अ कॉलोनी ठीक है अच्छा अब 1945 के बाद क्या हुआ 1945 के बाद अगेन चैनकाई शेट के ऊपर माओविस्ट गोरिल्लाज ने अटैक करना शुरू किया और रिपब्लिकन चाइना और कम्युनिस्ट चाइना दो ग्रुप बन गए ठीक है माओ अपने ग्रुप के साथ कम रिपब्लिकन चाइना पे अटैक करने लगे ठीक है और एक तरीके की सिविल वॉर शुरू हो गई कहाँ पे चाइना के अंदर जब ये सिविल वॉर शुरू हुई उस समय जो कोस्टल रीजन थे चाइना के उनको एज अ कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया सो so दैट ट्रेड शुड नॉट स्टॉप ओके और वहां पर अमेरिकन फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे उन्होंने हैंडल करना उसको शुरू किया सो फ्रॉम द पीरियडी फाइव टिल ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन उस एरिया को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया गया ठीक है अंजुम एजाज सिंह ओके फाइन थैंक्स अंजुम सर हाउ केन आई फाइंड अदर लेक्चर्स बिमला uh, uh, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है अन अकेडमी अंडर्स को श्वेतांक वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे बिमला यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग अर्जुन देव लेकिन अर्जुन देव वॉन्ट बी इनफ दे विल बी मोर रीडिंग्स नीडेड टू बी डन लेकिन आप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अर्जुन देव भरष्ट शेषन सॉरी आई कांट प्रोनाउंस भरती शेषन भारती शेषन uh, विच बुक इज गुड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल देखो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए देर आर टू मनी डिफरेंट सोर्सेज ओके यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद एन सी आर टी इट सेल्फ बट उसके बाद देर आर वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए दे आर जस्ट टू मैनी सोर्सेज ओके आई कॉन्ट सजेस्ट यू वन सोर्स ऑल दो टेक्स मी ऑन टेलीग्राम और समथिंग एंड आई गिव यू होल लिस्ट ऑफ बुक्स ओके अगर मैंने यहाँ बतानी शुरू की तो सब ने वो बुक्स खरीदनी शुरू कर देनी है पढ़नी किसी ने नहीं है लेकिन सबने देखे ले बुक्स शेल्फ में रख देनी है ओके okay? चलो Uh, any other queries anyone no queries chalo then we'll end the session okay yeah thank you thank you everyone for attending the session that will be all thank you